माता राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया और वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और कल शाम को ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल जानकारी अब से कुछ ही देर पहले सामने आई है और अंतिम संस्कार को लेकर छतरी पर तैयारी शुरू हो गई है और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की छतरी के पीछे राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा। आपको ये बता दें कि सिंधिया परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार कटोरा ताल स्थित छतरी में ही किया जाता है और यहाँ तैयारी शुरू हो गई है और राजमाता के अंतिम संस्कार की जगह पर तैयारी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता माधवी राजे का निधन हो गया है। सुबह 9:28 पर एम्स में उनका निधन हुआ है। पिछले कुछ समय से लगातार उनका एम्स में इलाज जारी था। इस वक्त एम्स में मौजूद हूँ। वो लगातार लाइफ सपोर्ट पे थी, वेंटिलेटर पर थी और बीते कुछ समय से उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रही थी। अभी कुछ हफ्ते पहले जो है वो अपना चुनाव प्रचार रोक कर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद यहाँ आए थे, पूरा परिवार यहाँ आया था और उनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको सेप्सिस था और निमोनिया से वो ग्रसित थी। सेप्सिस में बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन फैलता रहता है और ये एक जानलेवा बीमारी भी है। काफ़ी टाइम से उनका इलाज चल रहा था। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और कल जो है ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार होगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये खुद उनके ऑफिस से आई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और अभी परिवार का जो स्टेटमेंट है वो आना बाकी है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो लगातार उनकी तबीयत खराब चल रही थी अपनी अंतिम सांसें जो है उन्होंने एम्स में ली है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार ग्वालियर में होगा और ग्वालियर में अब क्या तैयारी है, किस तरह का माहौल है, जाने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, एक दुखद खबर आई है राजपरिवार से और बताया जा रहा है कि दिल्ली में राजमाता का निधन हो गया। ग्वालियर में किस तरह की मूवमेंट नजर आ रही है अभी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन की जैसे ही खबर आई तो पूरा जो ग्वालियर रियासत कहे पूर्व की, तो पूरे ग्वालियर अंचल में शोक की लहर छा गई। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर के इस कटोरा ताल स्थित सिंधिया छतरी पर इस वक्त जो है देख सकते हैं आपके ये यहाँ चबूतरा बनाया जा रहा है जहाँ स्वर्गीय राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं ये चल रही है। यहाँ अंतिम संस्कार होगा जिसमें मध्य प्रदेश के साथ ही देश विदेश के कई जो इनके रिश्तेदार हैं, सिंधिया परिवार के करीबी हैं, वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि नेपाल के राज परिवार से जुड़ी थी माधवी राजे सिंधिया, तो मध्य प्रदेश देश के साथ ही नेपाल में भी शोक की लहर है। यहाँ सिंधिया परिवार के लोग हैं जो यहाँ अंतिम संस्कार के लिए यहाँ जो तैयारियाँ चल रही है। अमर जी, किस तरह की ये दुखद सूचना आई और किस तरह की क्या यहाँ आज सुबह 9:30 एम्स में, दिल्ली एम्स में हमारी ग्वालियर की राजमाता श्रीमंत माधवी राय सिंधिया साहब ने अंतिम सांस ली और ये ग्वालियर के लिए, पूरे अंचल के लिए नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़े दुख की बात है कि हमारी राजमाता हम सबके बीच में नहीं रही हैं, क्योंकि सिंधिया परिवार का एक भावनात्मक जुड़ाव इस अंचल का लोगों का सिंधिया परिवार से रहा है। तो निश्चित रूप से आज राजमाता को नहीं खोया हमने, अपनी माता जी माँ को खोया है सब। किस तरह से अंतिम संस्कार कब क्या होगा, कौन अब वो तो सिंधिया परिवार राज परिवार की जो भी परंपराएं हैं उसके अनुसार राजमाता साहब का राजकीय जो सिंधिया परिवार की परंपराओं के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल होगा अंतिम संस्कार, जो जानकारी है कल, बाकी आपको और जानकारी मिल जाएगी। अमर जी, माधवराव से लेकर राजमाता और सभी जो यहाँ छतरियाँ बनी हुई है, कितना बड़ा इतिहास है इस जगह का, कितनी पवित्र जगह मानी जाती है। सिंधिया परिवार का इतिहास आज का नहीं है, सिंधिया परिवार का इतिहास 500 साल पुराना इतिहास है और 250 साल से इस ग्वालियर चंबल अंचल से सिंधिया परिवार का एक एक व्यक्ति से, एक एक जनमानस से दिल का संबंध है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने दिल से सिंधिया परिवार के लिए बहुत ज़्यादा, राजमाता साहब के जाने का दुख लोगों को जैसे कि जैसे खबर फैलती जा रही, लोग यहाँ आते जा रहे हैं, इकट्ठे होते हैं। तो निश्चित तौर पर ठीक है। सुशील, आप रहिएगा हमारे साथ, दिल्ली चलते हैं जहां पर फराह हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। फराह, किस तरह की मूवमेंट है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, पार्थिव शरीर को आगे ग्वालियर के लिए कब भेजा जाना है, क्या कुछ जानकारी अपने पास?
फरा आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, एक बार प्रश्न दोहराइए। बिल्कुल, प्रश्न वही सीधा सा प्रश्न है कि आगे क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं राजमाता के पार्थिव शरीर को आगे ले जाने के लिए, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ मूवमेंट्स चल रही हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही खुद सिंधिया ऑफिस से ये जानकारी सामने आई है कि उनकी जो माता है माधवी राजे, उनका निधन हो गया है और जो है पार्थिव शरीर जो है वो ग्वालियर ले जाया जाएगा, ग्वालियर में जो है वो अंतिम संस्कार होगा। तो अभी जो है वो पूरी तैयारियां की जा रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है इस गेट से या दूसरे गेट से जो है वो यहाँ से पार्थिव शरीर निकाला जाएगा। लेकिन अभी जो है अंदर पूरी तैयारियां हो रही हैं कि किस तरीके से, आपको ये बता दूं कि बहुत लंबे समय से जो है वो माधवी राजे जो है वो बीमार थी और यहाँ पर उनका सेप्सिस और निमोनिया का जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा था। सेप्सिस को अगर समझे तो वो एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें मौत हो सकती है, वो पूरे बॉडी में जो है वो धीरे धीरे फैल जाती है और इन्फेक्शन जो है वो इस तरीके से हो जाता है कि कई बार जो है लोगों की इससे डेथ ही हो जाती है। और वो काफी टाइम से जो है वो लाइफ सपोर्ट पर थी और उनकी जो हालत है वो कई बार खराब हो रही थी, क्रिटिकल हो रही थी। अभी कुछ समय पहले देखा गया था कि पूरा परिवार यहाँ आया था, तब भी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और आज सुबह 9:28 पर ये जानकारी सामने आई कि उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। 70 साल की उनकी उम्र थी और सेप्सिस के साथ साथ उन्हें निमोनिया था जिसके चलते जो है वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और 15 फरवरी को जब उन्हें तकलीफ हुई थी तो उन्हें यहाँ लाया गया था, उसके बाद से लगातार उनका इलाज जारी था और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। अब जो है उनका निधन हो गया है और परिवार के लिए बहुत ज्यादा दुखद खबर है क्योंकि इससे पहले भी जो है वो परिवार बहुत ज्यादा परेशान था, लगातार उनका आना जाना था। अगर हम उनकी वाइफ की बात करें तो वो वाइफ लगातार यहीं थी, फरवरी से यहीं पर थी और उनकी देखभाल कर रही थी। अब जो है ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार होना है और भाई अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है वो उनके लिए ऑफिशियल ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए हैं और लोग जो हैं वो दुख जाहिर कर रहे हैं और परिवार के लिए ये बहुत दुखद समय भी है। तो अभी एम्स की तरफ से जो है वो औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट भी आना बाकी है। एम्स की तरफ से अभी कुछ ही देर में ये माना जा रहा है स्टेटमेंट आएगा और अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो है पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा क्योंकि ग्वालियर में अंतिम संस्कार होना है कल।